आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में मसरूफ़ होंगे और बहुत अच्छे से गार्डनिंग भी कर रहे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको एलोवेरा प्लांट, एलोवेरा जिसको उर्दू में ग्वार गंदल भी कहते हैं, उसके बारे में बताऊँगी। एलोवेरा एक ऐसा पौधा है जो हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करता है। ना सिर्फ ये पौधा हमारी सेहत के लिए अच्छा है, कई तरह से हमारी सेहत को ये फ़ायदा पहुंचाता है। हमारे चेहरे, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इवन के ये पौधों में आप कह लें कि एंटी फंगस, आप कह लें कि रूट्स में या खाद के तौर पर भी ये काम करता है, इसके बहुत बेनिफिट हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको एलोवेरा के बारे में कुछ बातें बताऊंगी। अगर तो आप पुराने गार्डनर हैं तो आपके पास ज़रूर लाजमन एलोवेरा का पौधा होगा। अगर नहीं, आप नई नई गार्डनिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो इस पौधे को आप सबसे पहले ज़रूर अपने गार्डन में शामिल करें, क्योंकि इसके बहुत बेतहाशा फ़ायदे हैं। फ़ायदे मैं बताने लगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं इसकी केयर के बारे में बता दूं। डियर फ्रेंड्स, ये सकुलेंट प्लांट है, इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। चंद अहम नकात को आप मद्देनज़र रखेंगे तो ये आपका पौधा बहुत अच्छी तरह ग्रो करेगा। ये देखें, मेरे पास बेतहाशा मतलब एलोवेरा के प्लांट हैं। मेरी मैंने बोला था चार पोर्शन में मेरी गार्डनिंग है, चारों पोर्शन में मेरे पास बहुत एलोवेरा है। इसकी ग्रोथ भी बहुत ईजीली हो जाती है, प्रोपोगेशन मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ती है। मेरे पास तो ये बहुत इजीली बढ़ता है। अगर आपके पास है पौधा, आपको कोई मसला है तो मैं आपको चंद अहम नकात पॉइंट्स बताऊंगी, उसको मद्देनज़र रखिएगा। इंशाल्लाह आपका एलोवेरा का पौधा बहुत सेहतमंद, खूबसूरत पत्तों वाला और हेल्दी पत्तों, जल से भरपूर पत्तों वाला होगा। देखिए, हम मार्केट में जाते हैं तो एलोवेरा जेल लेने तो अच्छी खासी एक्सपेंसिव होती है। वैसे भी उन्होंने पता नहीं अंदर क्या डाला होता है। फ्रेश एलोवेरा अपने घर में लगाएँ और इससे फ़ायदा हासिल करें। तो डियर फ्रेंड्स, चलते हैं कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। एलोवेरा लगाना हो तो उसके लिए क्या एहतियात करनी चाहिए। ये सकुलेंट प्लांट है, इसको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। अगर आप इसको, ये तकरीबन 15-20 दिन भी आप पानी के बगैर इसको सायादार जगह पे रखें तो ये बड़ी आसानी से सर्वाइव कर जाता है। इसको पानी ज़्यादा नहीं देना, ये ना हो कि आप पौधे को सेहतमंद रखने के लिए इसे लाड़ प्यार की खातिर इसमें पानी डालते रहें कि कहीं प्यासा तो नहीं। नहीं, ज़्यादा पानी डालेंगे तो रूट रॉट हो जाएगा, यानी इसकी जड़ें गल जाएंगी, इसकी ये पत्ते सारे गल के इसकी जल ख़त्म हो जाएगी, पौधा आपका मर जाएगा। इसलिए इसको आप ज़्यादा पानी मत दें। पानी आप इसको ज़रूरत होने पर मिट्टी देखें, जब मिट्टी बहुत ड्राई हो जाए और इसके पत्ते जो हैं वो हल्के हल्के आपको झुके हुए नज़र आए और आपको महसूस हो कि इसमें जेल जो है वो ख़त्म हो रही है और ये पत्ते सिकुड़ रहे हैं, तो आप इसको पानी दें। पानी जैसे ही देंगे तो आपको इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद ही ये सरसब्ज़ शादाब खड़ा नज़र आएगा। तो डियर फ्रेंड्स, पहली बात ये होगी कि इसको आपने पानी ज़्यादा नहीं देना। नंबर दो, इसको आपने सायादार जगह पे रखना है, इसको तेज़ धूप में नहीं रखना। तेज़ धूप में रखेंगे आप तो ये तेज़ धूप मतलब आप कह लेंगे सूरज की डायरेक्ट जो धूप पड़ती है, सनलाइट जो है उसमें नहीं रखना। इससे ये है कि इसके पत्ते पीले होकर ये पौधा आपका मुरझा जाएगा, इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगा। और शेड में रखें या पौधों के बीच में रखें। ये देखें, जिस तरह मैंने पौधों में रखा हुआ है, ये रूफ टॉप पे है, लेकिन ये है कि फिर भी इतना सेहतमंद इसकी ग्रोथ है, इसलिए कि इसके इर्द गिर्द काफ़ी सारे प्लांट्स पड़े हुए हैं, तो जिससे इसको सूरज की तेज़ जो रोशनी है वो नुकसान नहीं पहुँचाती। इसलिए आप पौधों के, ढेर सारे पौधों के दरमियान में रख दें, किसी बड़े पौधों के साए में रख दें या किसी शेड के नीचे रख दें जहाँ तेज़ रोशनी तो इसे मिले सूरज की, लेकिन यह कि डायरेक्ट सनलाइट ना मिले। तो ये इसकी सेहत के लिए दूसरा पॉइंट हो गया, पहला पानी कम दें, दूसरा इसको शेड में रखें या सायादार जगह में रख दें जहाँ इसको डायरेक्ट सनलाइट ना मिले और रोशनी इसको ज़रूर मिले, क्योंकि रोशनी से देखें पौधे अपनी खुराक बनाते हैं, तो खाना बनाते हैं, तो रोशनी इसके लिए ज़रूरी है, इसलिए इसको ब्राइट लाइट चाहिए। वो आप किसी शेड के नीचे रख दें जहाँ ब्राइट लाइट पड़ रही है लेकिन डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ रही, तो ये बहुत सेहतमंद जो है पौधा इसकी ग्रोथ करेगा। और तीसरा पॉइंट्स मैं आपको बता दूं डियर फ्रेंड्स, कि आप इसकी जो एंड पे लीव्स होती हैं आप उसको कट करके इस्तेमाल करते रहें, उसको अलहदा करके उनको मतलब साथ ना रहने दें, वरना वो ड्राई होके बहुत बुरी लगती हैं
और एनर्जी भी ले रही होती हैं, इसलिए उनको आप नीचे से कट करके उनको इस्तेमाल करते रहें। तो इसी तरह आप देखें कि इस तरह करेंगे तो पूरा पौधा आपका सेहतमंद रहेगा और इसकी पत्तियां भी बहुत खूबसूरत आपको जल से भरपूर नज़र आएंगी। और इसलिए आप जो है पुरानी पत्तियां नीचे से तोड़कर उनको इस्तेमाल कर लें और उनको पौधे के साथ ना रहने दें। और अब मैं गमले का साइज़ बताऊं तो डियर फ्रेंड्स, गमले का साइज़ आपका बड़ा ही होना चाहिए क्योंकि ये बड़ा अच्छा ग्रोथ करता है। तो मैं आपको दिखाती चलूँ, ये देखें मेरे पास ये पेड़ के, आप देखें ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये सारे पेड़ के डब्बे हैं, ये देखें, ये अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये पेड़ के जो ये डब्बे थे इनके अंदर मैंने लगाया हुआ, ये देखें मैं आपको दिखाती चलूँ अगर आपको नज़र आ रहा है, ये गमलों के पीछे मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी आपको नज़र नहीं आएंगे। तो ये देखें, ये भी पेंट का डब्बा और ये दूसरी तरफ ये भी पेंट का डब्बा है। तो उनके अंदर लगाया हुआ, आपके घर में कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं तो आप इजीली उसके अंदर लगा लें तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। और गमले का साइज़ 12 इंच हो, उससे बड़ा हो, जितना बड़ा होगा उतनी जल्दी ग्रोथ करेगा। उसके अलावा मेरे पास तो डियर फ्रेंड्स ये देखें कि 8 इंच का गमला है, ये देखें छोटा है, ये छोटा गमला है ये 8 इंच का, इसके अंदर ये देखिए कितना सेहतमंद पौधा है, ये देखिए। और इसके मेरे पास बेतहाशा देखें लातादाद इसके बेबी प्लांट्स निकलते हैं, जो कि मैं बहुत सारे लोगों को गिफ्ट भी करती हूँ, मैंने बड़े पौधे भी गिफ्ट किए हैं। इतनी एलोवेरा मेरे पास है, बहुत सेहतमंद होती है। इसलिए आप गमले का साइज़ बड़ा लें, बड़ा नहीं है तो आप छोटे गमले में या किसी भी पौधे के साथ इसको अटैच करें, जैसे बेबी प्लांट निकलेंगे आप इसको ट्रांसफ़र करते रहें तो आपका पौधा इंशाल्लाह बहुत सेहतमंद होगा। और मिट्टी की बात करती चलूँ तो डियर फ्रेंड्स, आप इसको अच्छी मिट्टी दें, भुरभुरी मिट्टी दें तो मिट्टी से ये खाद लेता रहेगा बड़ी अच्छी, मतलब इसको कुछ ज़्यादा एसएच फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं, फर्टिलाइज़र आपने नहीं देना कोई भी, उसको देने की ज़रूरत नहीं है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप घर का बना हुआ महीने में एक आध दफ़ा दे दें तो ठीक है। इसके अलावा डियर फ्रेंड्स, इसको आप जिस भी मिट्टी में, भुरभुरी मिट्टी हो थोड़ी सी, तो पानी ड्रेनेज होल ज़रूर होना चाहिए, पानी इसके अंदर ना रुका रहे, उसके अंदर लगाएं। और चिकनी मिट्टी ना हो क्योंकि इससे जड़ें फैलने में और मुश्किल होगी। उम्मीद करती हूँ डियर फ्रेंड्स आपको इन तमाम नकात को मद्देनज़र रखते हुए आप एलोवेरा लगाएंगे और मुझे फिर ज़रूर बताएंगे कि कैसा है। मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर बताएं अगर आपको कोई गलती नज़र आती है, लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।